नमस्कार आप देख रहे हैं वक्त इंडिया मैं हूं आपके साथ रमन सैनी अगस्त महीने में पूरे देश के अंदर जल तांडव मचा हुआ है जगह जगह बाढ़ की चपेट में जो है राज्य आए हुए हैं वहीं जम्मू कश्मीर की हालात भी जो हैं वो बहुत बेहतर नहीं हैं और जम्मू कश्मीर में भी जो पिछले दो दिनों से लगातार पहाड़ी इलाकों में हो रही बार, भारी बारिश के चलते जहां एक तरफ जो है वो नदियां उफान में हैं नाले उफान पे हैं वहीं ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू के कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बिलावर इलाके की जहाँ कल शाम जो है एक टाटा सुमो नाले को पार करते हुए फ्लैश फ्लड में फंस गई और उसके बाद तस्वीर कितनी भयावह है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक टाटा सुमो जो सवारियों को लेकर जिसके ऊपर सामान लदा हुआ था वो एक नाले को क्रॉस कर रही थी लेकिन तभी अचानक फ्लैश फ्लड नाले में आ गया और उस फ्लैश फ्लड की चपेट में ये टाटा सुमो आ गई और देखते देखते पूरी की पूरी टाटा सुमो जो है वो पलट जाती है और तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में ये बता रही हैं कि हालात इस समय जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और बारिश को लेकर किस तरह से बने हुए हैं और बामुश्किल जैसे ही इसमें लोगों की जान बच पाई है क्योंकि ये सवारियों को लेकर ये टाटा सुमो जो है एक नाले को पार करने की कोशिश कर रही थी कि जम्मू कश्मीर का टेरेन ऐसा है कई जगह पर आपको एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए पानी का जो नाल पानी में पा, पानी का जो रास्ता होता है जिन्हें नाला कहा जाता है उन नालों को पार करना जरूरी होता है और ऐसे में ही जब ये कोशिश इस की तरफ से की जा रही थी तभी जो है टाटा सुमो बुरी तरह से जो है चपेट में आ गई फ्लैश फ्लड के और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से लहरों की चपेट में टाटा सुमो आपको दिखाई दे रही है और इसमें जो सवारी थे जब पानी का जलस्तर वहां बढ़ना शुरू हुआ तो सवारी जो थे वो तो निकल कर किनारे पहुंच गए लेकिन टाटा सुमो को वापस लाने में असफल रहा ड्राइवर लिहाजा गाड़ी को जलधारा में छोड़कर ही अपनी जान बचाते हुए वो किनारे पहुंचा और उसके बाद तस्वीरें किस तरह से एक भारी भरकम टाटा सूमो जो पानी की चपेट को की मार को झेल नहीं पाई और पलट गई उस आ, उस उस नाले के अंदर और लगातार इस इलाके में जो ये जल स्तर है इस नाले का लगातार बढ़ता जा रहा था क्योंकि पीछे पिछले दो दिनों से जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है उससे जम्मू कश्मीर के नदी नाले इस समय उफान पर हैं लेकिन जब ये टाटा सूमो इस नाले को क्रॉस कर रही थी उस वक्त पानी का जो है स्तर कम था लेकिन अचानक जो है पानी का जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ और उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बिलावर इलाके में जो है ये तस्वीरें आ रहे हैं और पूरे की पूरी टाटा की नहीं है।, के इलाकों में इसी तरह से जो है भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और यही हालात जो हैं राज्य में पूरी जगह पर है ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से टाटा सूमो जो है वो पूरी तरह से पलट चुकी है और इसके बाद आप देखेंगे इस इसको एक रेस्क्यू करने की भी कोशिश की गई लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ था कि किसी भी तरह से ये गाड़ी को जो है बचाया नहीं जा सका और इस समय भी ये गाड़ी जो है उसी जलधारा में फंसी हुई है और पानी लगातार जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उससे इसके बह जाने का खतरा भी बन चुका है हालांकि गनीमत यही रहा कि इसमें किसी तरह के लोग जो लोग बैठे हुए थे आप देख सकते हैं कि वो अपनी जान बचाते हुए किनारे पर तो पहुंच गए लेकिन गाड़ी को जो है वो नहीं बचाया जा सका वहां पर एक क्रेन जो खड़ी थी उसने भी कोशिश की लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो भी कुछ नहीं कर पाई इसी तरह से अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वो कल से ही पूरी तरह से अवरुद्ध है पहले भी वहाँ पर शूटिंग स्टोन जिस तरह से हो रहे थे पहाड़ों से लगातार पत्थर गिर रहे थे जिसका जिसकी वजह से हाईवे पर मलबा जमा हो गया और ये तस्वीरें आप रामबन इलाके की देख रहे हैं जहां पर शूटिंग स्टोन जो है सुबह से है चल रहा है वहां पर लगातार पहाड़ों से मलबा जो है वो नीचे के इलाके में गिर रहा है जिसकी वजह से हाईवे पूरी तरह से यातायात के लिए बंद आ, बंद किया जा चुका है आप देख सकते हैं कि इस विजुअल में आपको गाड़ियां जो हैं वो दिखाई देंगी कि किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो खड़ी हैं लेकिन आ, वो आगे नहीं आ सकती हैं क्योंकि भारी भरकम पत्थर और मलबा जो है इस समय सड़कों पर फैला पूरी हाईवे पर जो है वो फैला हुआ है और रामबन के करीबन दस ऐसी जगहें हैं जहां पर इस तरह के हालात बने हुए हैं और इस तरह से पूरा का पूरा जो हाईवे है वो इस समय यातायात के लिए बंद कर दिया गया है और अगर हम आपको रामबन की ही जगह के नाम बताएंगे तो रामबन में ही जो है बहुत सारे डिगडोल एक जगह पड़ती है रामबन की जगह रामबन के साथ ही जो पंथियाल पड़ता है वहाँ पर इस तरह की तस्वीरें आपको देखने की मिली हैं अनोखी फाल है त्रिशूल मोड़ है मेहर है ये सारी वो जगहें हैं जहाँ पर इस समय जो है लैंड आई हुई है शूटिंग स्टोन वहाँ पर चल रहा है जिसके चलते हाईवे इस वक्त पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है और आ, हाईवे से अब कहीं ना कहीं मिट्टी हटाने का काम जो है जैसे शुरू होता है उसके बाद बारिश क्योंकि चल रही है अगली तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे किस तरह से आ, रेस्क्यू आ, वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है जिस तरह से जो आ, हाईवे बंद पड़ा हुआ है उसको वहां से क्रेन के माध्यम से जो है वो मिट्टी हटाने का काम जो है वो मिट्टी हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है लेकिन जितना मिट्टी जो है वो हटाया जाता है उतनी ही मिट्टी दोबारा से पहाड़ों से नीचे गिर जाती है ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रामबन जिले की जहाँ पर शूटिंग स्टोन हुआ है और उसके बाद यहाँ पर आ ये ये आप देख सकते हैं कि, कि किस तरह से मलबा जो है वो हाईवे पर आकर फैल चुका है और आ कहीं ना कहीं इसी की वजह से पूरा का पूरा हाईवे बंद पड़ा हुआ है और अभी भी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीबन हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ जो हैं वो फंसी पड़ी हुई फंसी पड़ी हुई हैं हालाँकि कोशिश हमें

पहाड़ का हिस्सा जो है वो खिसक कर सीधे तौर पर नीचे आ जाता है लिहाजा किसी तरह की जान माल का नुकसान ना हो इसीलिए इस यातायात को इस पूरे हाईवे को यातायात के लिए बंद कर दिया जाता है लेकिन इस तरह की तस्वीरें जो आप इस समय देख रहे हैं ये आप तस्वीरों में देखेंगे कि, कि किस तरह से भारी भरकम मलबा जो है वो पूरे हाईवे पर फैला हुआ है पहाड़ से टूट टूट कर नीचे पत्थर गिर रहे हैं शूटिंग स्टोन चल रहा है और उसके साथ साथ में जम्मू उधमपुर का जो हाईवे है वहाँ पर भी जम्मू में काफ़ी लंबी ट्रकों के लाइन जो है वो लगे हुए हैं काफ़ी लंबी ट्रकों की लाइन जो है वो लगी हुई है आप ये देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो वाहन है वो इस समय फंसे हुए हैं और ट्रैफिक डिपार्टमेंट इनको सुचारू रूप से वहीं पर रोक कर रखने की तैयारी कर रहा है और जो भी गाड़ियां इस समय श्रीनगर हाईवे की तरफ आने की कोशिश कर रही हैं उन्हें रोका जा रहा है क्योंकि हाईवे जो है वो पूरी तरह से बंद है और वहीं मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले 24 से 36 घंटे तक कमावेश अभी मौसम इसी तरह से जम्मू कश्मीर में बना रहेगा जिससे निश्चित रूप में लोग लोगों को कहीं ना कहीं खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है वैसे भी अगस्त का महीना है और मानसून इस समय अपने पूरे चरम पे है हमने देश भर की तस्वीरें देखी कि देश भर में किस तरह से भारी बारिश के चलते सड़कों पे ही तालाब जैसा नदी जैसा और नहर जैसा एक हालात बन चुके हैं देश की राजधानी से लेकर मुंबई और जो बिहार का इलाका है वो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आता हुआ जो है आप आप, आप, आप समझ सकते हैं कि कितनी बाढ़ वहां पर है और लोगों को कितनी परेशानी होगी वहीं दूसरी तरफ अगर

और उसके बाद जो राम जो रामबन बनिहाल का हाईवे है उस हाईवे पर किस तरह से शूटिंग स्टोन हो रहा है पहाड़ों से लगातार पत्थर गिर रहे हैं ये तस्वीरें आप पत्थरों पत्थर के गिरने की देख सकते हैं तो कमावेश ये हम कह सकते हैं कि इस समय अगस्त महीने में जो है वो भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रखा है और निश्चित रूप में प्रशासन इन पूरे रास्तों को खोलने की कोशिश कर रहा है जहाँ जहाँ पर पसियाँ आती हैं जहाँ जहाँ पर लैंडस्लाइड होती है उन हाईवे को खोलने की जो है कवायद लगातार प्रशासन की तरफ से चल रही है और राहत पहुंचाने की कोशिश चल रही है लेकिन मौसम के आगे किसी की भी नहीं चल सकती है प्राकृतिक आपदा अपने आप में मानेंगे इसे और कहीं ना कहीं मौसम की मार झेलनी ही पड़ रही है जम्मू वासियों को भी पूरे देश के साथ साथ और अभी आने वाले जो संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले चौबीस से छत्तीस घंटे तक कमावेश इसी तरह का मौसम बन सक बना रहेगा तो लिहाजा निश्चित रूप में अगर हाईवे दो तीन दिन और बंद रहता है तो निश्चित रूप में जो लोग आने जाने वाले हैं हाईवे पर उनकी प्रशासन उनकी जो है वो कहीं ना कहीं आ, मुश्किलें बढ़ेंगी और खास तौर पर क्योंकि जम्मू श्रीनगर एकमात्र सप्लाई लाइन है कश्मीर घाटी के लिए जिस रास्ते से होते हुए आ, कश्मीर घाटी में जो है सामान पहुंचाया जाता है ट्रकों के माध्यम से वो अगर सप्लाई लाइन अगर ज्यादा देर तक ठप रहती है तो कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए भी समस्या का आ, जो है वो सामना करना पड़ सकता है लेकिन कोशिश लगातार प्रशासन की तरफ से चल रही है कि जल्द से जल्द इन रास्तों को दुरुस्त कर कर खोला जाए और लोगों को निश्चित रूप में कहीं ना कहीं राहत पहुंचाई जाए तो ये तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और जिस तरह से बारिश बारिश की मार जो है वो झेलनी पड़ रही है लोगों लो, आम लोगों को वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तस्वीरें अपने आप में सब कुछ जो है वो बयां कर रही हैं और किस तरह से लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं इस समय पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारी बारिश के चलते एक तरफ जहां नदी नाले उफान पर हैं वहीं तवी नदी के साथ साथ चेनाव दरिया जो है उसका जल स्तर बढ़ने की वजह से भी जो है वो जम्मू के अंदर जो है वो एक अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि उधमपुर से जो तवी नदी आती है उसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है इसलिए तवी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं एक 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 अलर्ट जारी किया गया और उनको कहा गया है कि तवी नदी के किनारे रहने वाले लोग किसी भी कीमत पर जो है तवी नदी में ना उतरें वरना उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को जो है सचेत रहने के लिए और अलर्ट रहने के लिए जो है वो कहा गया है अलर्ट रहने के लिए कहा गया है तो निश्चित रूप में ये सारी प्रशासन की तरफ से तैयारियाँ तो की गई हैं लेकिन अभी जिस तरह का मौसम जम्मू कश्मीर में बना हुआ है उससे आम लोगों की मुश्किलें कम होती हुई नज़र नहीं ही आ रही हैं बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें वक्त इंडिया के साथ नमस्कार